तो दोस्तों आपने भी अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर दिया है या फिर फ्यूचर में करने वाले, यानी कि दोस्तों YouTube का क्राइटेरिया है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर, वो तो कभी ना कभी दोस्तों आपका पूरा हो ही जाएगा और दोस्तों उसके बाद आप चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करेंगे। बट दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि दोस्तों उस चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों आप ऐसी गलती करें जिसके कारण दोस्तों आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा और दोस्तों आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा और दोस्तों आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ जाएगा और दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब दोस्तों रियूज कंटेंट कैसे आता है वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा जब हम यूट्यूब को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों क्या क्या चीजें जरूरी है और दोस्तों यूट्यूब क्या क्या चीजें हमारी चेक करता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन के अंदर YouTube जब दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइज के लिए चेक करता है यानी कि दोस्तों रिव्यू करता है तो दोस्तों क्या क्या चेक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच चीजें हैं जो कि दोस्तों YouTube मेन चेक करता है। तो दोस्तों पहली चीज ये है कि मेन थीम, यानी कि दोस्तों थीम का मतलब होता है हमारा कैटेगरी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कैटेगरी टेक का, तो दोस्तों YouTube ये चेक करेगा सबसे पहले। और दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों मैं यही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ना कि दोस्तों कोई और वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यूट्यूब चेक करता है टेक कैटेगरी, यानी कि दोस्तों कैटेगरी चेक करता है हमारा यूट्यूब। और दोस्तों दूसरी चीज चेक करता है मोस्ट व्यूज योर वीडियोज, यानी कि दोस्तों हमारा किस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए और दोस्तों कैसे आए और दोस्तों वॉच टाइम कैसे आया, ये सब यूट्यूब चेक करता है। हम मोनेटाइज रिक्वेस्ट भेजते हैं तब। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है न्यूएस्ट वीडियो, यानी कि दोस्तों जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो दोस्तों उस वीडियो को यूट्यूब पूरा चेक करता है कि इस वीडियो में क्या है। और दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट है बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, यानी कि दोस्तों हमारा यूट्यूब चेक करता है किस वीडियो में हमारा ज्यादा वॉच टाइम आया वो और वो वॉच टाइम कहाँ से आया पूरा दोस्तों हमारा चेक करता है। यानी कि दोस्तों हमारा वॉच टाइम फेंक होगा तो दोस्तों हमारा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और दोस्तों पांचवी चीज है वीडियो मेटा डेटा इंक्लूड टाइटल एंड थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन, ये दोस्तों YouTube चेक करता है मेन। और दोस्तों इसका मतलब होता है यानी कि दोस्तों जब दोस्तों हम कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं थंबनेल लगाते हैं तो दोस्तों वो थंबनेल हमारी एक ही होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों क्या होता है जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों हम थंबनेल सेम लगा देते हैं, ये गलती दोस्तों हमें नहीं करनी है। अब दोस्तों बात की जाए टाइटल की, यानी कि दोस्तों हमें एक टाइटल हर वीडियो में यूज नहीं लेना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साइड स्क्रीन में पर वीडियो का टाइटल चेंज है, यानी कि दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, हर वीडियो का टाइटल आपको चेंज कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि दोस्तों जब हम टैग लगाते हैं तो दोस्तों हमारा टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप गलती क्या कर देते हैं वही टैग को आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देते हैं, तो दोस्तों इस कारण से आपका यूट्यूब रीयूज कंटेंट दे देता है। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रख लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रीयूज कंटेंट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीट्यूज कॉन्टेंट, रिपीट्यूज कॉन्टेंट को दोस्तों कहते हैं रीयूज कॉन्टेंट। तो दोस्तों पहले मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। रिपीट्यूज कॉन्टेंट रिफ्रेश टू चैनल, वी आर देट कॉन्टेंट इज सो सिमिलर व्यूज माई हैव ए ट्रबल स्पॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन वीडियोज ऑन द सेम चैनल। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है जब हम एक वीडियो दोस्तों बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि दोस्तों हम एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करते हैं तो दोस्तों हमारा उस वीडियो पर रीयूज कंटेंट आ जाता है। यानी कि दोस्तों हमें उस एक वीडियो को बार बार अपलोड नहीं करना है, यानी कि दोस्तों उसके अंदर टाइटल अलग होना चाहिए, थंबनेल अलग होना चाहिए, वीडियो खुद अलग होना चाहिए। जबकि दोस्तों ये कह रहा है कि आपको वीडियो सेम अपलोड नहीं करना है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन के अंदर मेरे हर एक वीडियो अलग है, ना कि दोस्तों सेम वीडियो है। बट दोस्तों आपको भी यही करना है, सेम वीडियो अपलोड नहीं करना, अलग अलग वीडियोज अपलोड करना और दोस्तों ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना। और दोस्तों थंबनेल तो आपको किसी का डाउनलोड नहीं करना है, और दोस्तों थंबनेल अगर डाउनलोड करो तो दोस्तों आप कुछ उसमें एडिट कर देना, और दोस्तों सेम थंबनेल नहीं होना चाहिए, और दोस्तों टाइटल डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होना चाहिए। इसके कारण दोस्तों आपका रीयूज कंटेंट आ जाएगा और दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और दोस्तों ये गलती आप सुधार लोगे, मान लो कि आपके रीयूज कंटेंट आ गया और दोस्तों ये गलती आप सुधार लोगे और दोस्तों फिर से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका मोनेटाइज हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर से आपने यही गलती कर दी और फिर से अप्लाई किया तो दोस्तों आपका चैनल 90 दिन तक वापस मोनेटाइज के लिए अप्लाई नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपको 90 दिन तक वेट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको वापस अप्लाई करने का बटन मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और दोस्तों आपको अप्लाई करना, तो दोस्तों आपको ये गलती सुधारनी होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों रीयूज कंटेंट का मतलब यही होता है और दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है।